हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजे एडुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट जो आने वाली है उसका जो है डेट कंफर्म कर दिया गया है कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप कौन सी वेबसाइट से जो है ये रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि बीएससीबी बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 हो गए आधे टॉपर्स के इंटरव्यू। जी हां, टॉपर्स का इंटरव्यू जो हो चुका है, दोबारा कॉपी चेक भी रिचेक हो चुका है। 20 मई को जो आ सकता है बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। तो लगभग में ये डेट हम कन्फर्म मान के चल सकते हैं कि 20 मई को आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि सभी टॉपर्स का जो है दोबारा भी वेरिफिकेशन हो चुका है, तो 20 मई को जो आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि आप लोग यहां पे भी देख पा रहे होंगे, यहां पे पूरे डिटेल्स के साथ जो है बता दिया गया है यहां पे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की परीक्षा के नतीजे जो है का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। जी हां, ये जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है। कॉपियों की जाँच का काम पिछले सप्ताह खत्म होने के बाद बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के आधे टॉपर्स का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू सोमवार को कर लिया गया, आधे का जो है मंगलवार को कर लिया जाएगा। तो बोर्ड के सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ अगर तय क्रम से हुआ तो 20 मई को मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे जो बता दिया गया है कि 20 मई को जो है मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 15 लाख स्टूडेंटों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही दिनों से जो इंतजार चला आ रहा वो जो है 20 मई को खत्म होने वाला है। 20 मई को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ही जारी किया जाएगा इस रिजल्ट को, हम तुरंत आप लोगों के जो है बताएंगे कि रिजल्ट जो जारी हो चुका है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी जो है 38 जिलों से बोर्ड कर्मियों को जो भेजकर जो है सभी जिलों के टॉपर्स की जो है कॉपी को जो अपने पास मंगवा चुकी है और जो है उससे दोबारा कॉपी को जो है चेकिंग की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी टॉपर्स का जो है सभी जिला से कॉपी मंगवा करके जो दोबारा चेक करवा लिया गया। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्लियर रूप से बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने बिहार बोर्ड टॉपर्स की कॉपी दोबारा चेक करने के बाद अलग से टॉपर्स का वेरिफिकेशन करता है। जी हाँ, ये जो है सारी प्रोसेस होती है कि पहले टॉपर्स का कॉपी चेक होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बिहार बोर्ड ने इस बार दोबारा भी कॉपी चेक किया। तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है नतीजे किसी भी दिन जारी किए जा सकते हैं। तो लगभग आप लोग 20 तारीख को जो है मान कर चलिए 20 मई को जो है आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक में कुल 15,29,393 परीक्षार्थी शामिल है। जी हाँ, 15,29,393 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था जिसका कि रिजल्ट आने वाला है। और आप लोग जो इसका परिणाम जो देख पाएंगे वो इस वेबसाइट पे आप लोग देख पाएंगे। जैसा कि आप लोग इस वेबसाइट देख पा रहे हैं और मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप जो है तुरंत इस वेबसाइट पे आके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे ही रिजल्ट जारी होंगे हम तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि रिजल्ट जारी हो चुका है और आप लोग इस वेबसाइट पर जाके जो है रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो यही जानकारी हमें आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर रिजल्ट को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।